क्यों? आज रियासत जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है और बिलखसूस मोदी गवर्नमेंट की जानब से 370 और 35A के खात्मे के बाद और एक तारीखी रियासत की को डिसमेंटल करने के ऐलान ने जो ओवरऑल सूरत हाल पैदा की है, कई लोग अपने दावों में अपने आर्टिकल्स के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्हें इस सूरत हाल का पहले से इल्म था, और जो लोग इस फैसले पे हैरत का इजहार कर रहे हैं उनका तमस्कर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि रियासत जम्मू कश्मीर की न सिर्फ सिविल सोसाइटी, न सिर्फ लीडरशिप, बल्कि हर वो शख्स जो अपने मुल्क, अपने हालात के बारे में थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखता है, उनको इन खतरात का एहसास था। यही वजह है कि ये अचानक तो पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया गया तो शायद हमें हैरत हुई, लेकिन ये डिबेट गुज़श्ता 3-4 सालों से जारी थी मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज के जरिए भी, हत्ता के डॉक्टर किरण सिंह ने भी हिंदुस्तान की हुकूमत को खबरदार किया था कि 370 एक ऐसी शिक है कि जो हिंदुस्तान और कश्मीरियों के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, और इसी 370 ने हिंदुस्तान को एक लोकस स्टैंडाई ऑन कश्मीर इशू और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हटा की हुई। रियासत जम्मू कश्मीर एक तारीखी रियासत थी, और बिलखसूस हम वो लोग जो बरसा भर से रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी और उसकी सॉवरेंटी की बात करते थे, हम ये तवक्को करते थे कि आज इस 21वीं सदी में हुकूमतें, संजीदा हुकूमतें, प्रो पीपल हुकूमतें लोगों को ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मुहैया करती हैं, और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें गारंटी देती हैं कि ताकि अगर उनके यहाँ सोसाइटी में कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी फियर भी क्रिएट करता है तो वो लेजिस्लेशन के जरिए उन्हें ये यकीन दिलाती हैं कि आपके तमाम हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन हिंदुस्तान और बिलखसूस मोदी हुकूमत के इस इकदाम पे न सिर्फ हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन पार्टियां, बिलखसूस कांग्रेस पार्टी ने और उसके रहनुमाओं ने जिस तरह का इजहार किया है वो मैं समझता हूं कि तारीख के दुरुस्त प्रस्पेक्टिव को समझने की एक दलील है। और मोदी हुकूमत ने जिस तरह अपने ताकत के जरिए, अपनी फौज के जरिए और अपने तमाम रियासती और स्टेट पावर के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के खात्मे का, मैं ये सुनता हूं कि खात्मे का ऐलान किया है, इस पे सब लोग न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं कि उस जमहूरी चेहरे को भी गिना के रख दिया है, मसख किया है, जिसमें लोग पूरी दुनिया उसके इस जमहूरी चेहरे को, इस सॉफ्ट चेहरे को और उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें इररिस्पेक्टिव किसका क्या अकीदा है, किसका क्या मजहब है, किसकी क्या एथनिसिटी है, उसमें जो राइट्स जो है वो ग्रांटेड किए हुए थे उसको लोग ग्लोरीफाई करते हैं। मोदी हुकूमत ने ये फैसला करके
दरअसल हिंदुस्तान की इस 70 साल तारीख को पलट के रखती है, जिसमें उसका एक सॉफ्ट इमेज था, उसका उसके इदारे की एक क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन जिस तरह इन शिकों को खत्म करने के लिए पावर का इस्तेमाल किया गया है कि आज वादी कश्मीर और न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम है उसमें पड़ोस वाले को दूसरे नेबरहुड के अंदर नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। और जो लोग, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में इस बात का इजहार किया था कि हम इन दफात को खत्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन अमूमी तौर पर लोगों का रवैया यह था कि ये इलेक्शन ट्रेटिक है, एक तारीखी रियासत को और दिए हुए हकूक को सलब करने का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि जो लोगों को हकूक दिए गए हैं उनकी जो तारीखी हैसियतों को तस्लीम किया गया है उनकी इस तरह नफी होगी। हत्ता के वो पार्टियां जो किसी न किसी एतबार से हिंदुस्तान के सेटअप के अंदर रहते हुए अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थी और उसको आम करते थे महाराजा के एक्सेशन ट्रीटी को, हम तो उन लोगों में से हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आजादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं। हाँ, हैरत मुझे यकीनन उन लोगों पे हो रही है कि जिन्होंने कभी रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के लोगों के वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हिंदुस्तान ने दिए थे उनको कभी तस्लीम ही नहीं किया, और मसल्ला जदोजहद और बहन बहन की बोलियां बोल के और एक मजहबी एजेंडे के जरिए उसकी तकसीम की लकीरें गहरी करने की कोशिश की, और 70 साल से वो यही कोशिश कर रहे हैं, आज वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। ये मौका नहीं है कि उनका एहतसाब किया जाए या उनके रद्द अमल पे कोई मखालफना रद्द अमल दिया जाए, लेकिन एक बात तय है कि आज हम जिस तारीख के नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं और उसमें जो जो भी सियासी तौर पर इस बात को समझते हैं कि इसके रिपरकशंस हमारी रियासत की वहदत पे कितने बुरे पड़े हैं वो अपने अपने जज्बात के बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने बिला किसी कोई लम्हा जाया किए बगैर हमने इस पर अपने पॉलिसी बयानात जारी किए हैं, और जहां जहां भी मुमकिन है वहां हमने मजाहरे करके भी अपने जज्बात का इजहार किया है, और रियासत जम्मू कश्मीर के वसी तर लोगों को और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर की जमहूरी सेकुलर पुख्तों के साथ इजहार यकजहती किया है। और हिंदुस्तान के इस इकदाम की शदीद अल्फाज में बिलखसूस मैं ये कहता हूं कि ये हिंदुस्तान का इकदाम नहीं है बल्कि ये मोदी हुकूमत का वो फासिस्ट एजेंडा है जिसको हिंदुत्वा कहते हैं, जो दूसरे चाहे वो मजाहब के लोग हों या डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हों उनके हकूक को कतायन जो है वो अपने हिंदुत्वा के एजेंडे में ही देखते हैं। इस हवाले से हम सब लोगों को एक मजामती तहरीक शुरू करनी चाहिए, और बिलखसूस उसमें मुझे ये इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान की जो सही मानों में सेकुलर जमहूरी पुख्ते हैं उन्होंने इस पे एक मजामती बयानिया रखा है। रियासत जम्मू कश्मीर की उस हिस्से की लीडरशिप हमें, मैं समझता हूं कि इस मरहले पे हमें अपना भी थोड़ा बहुत एहतसाब करना चाहिए, अपने नारों का भी, अपने रोल का भी, यानी अपने किरदार का भी। तो वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर की उस हिस्से की जो क्यादत थी शेख अब्दुल्ला वाहिद अस्तस्ना है कि जो हमेशा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की और वहदत की बात करते रहे। उनके मरने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर और बेखसूस वैली की क्यादत ने कभी भी रियासत की वहदत का नुक्ता नजर या बयानिया नहीं रखा। वो खुद तकसीम की उन कुवतों को खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए तकसीम के इस एजेंडे को किसी न किसी शक्ल में जो है प्रमोट करती रही, जिसकी वजह से आज उनकी वॉइसिस जो है उस जगह भी नहीं पहुंच पा रही है जो
एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, जो उनके अपने दस्तरस में और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती थी, वहां भी लोगों के अंदर एक डिवाइड नजर आती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त है, दरअसल हम इस सब अमल का या उन लोगों का तजिया करें कि जो आज उछल कूद कर रहे हैं और हमेशा जो मुजफ्फराबाद के लोगों को, आजाद कश्मीर के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा दौड़ाते रहे हैं 70 सालों से, कभी ये तजिया करने की कोशिश नहीं की है कि हम लोग जो पाकिस्तान के जरिए इंतजाम रहते हैं, हमारे क्या सियासी हकूक है, समाजी हकूक है, माशी हकूक है, और गिलगित बल्तिस्तान जो 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 जो, जो हमारी रियासत का एक तारीखी हिस्सा है, और कहने को वो मसला कश्मीर का भी हिस्सा है, लेकिन उनके हुकूक जिस बुरी तरीके से 70 सालों से पामाल होते रहे हैं, उस पे भी हमारा बयानिया, और बिलखसूस बिल्कुल उसी तरह जैसे श्रीनगर की लीडरशिप ने कभी वैली से बाहर निकल के देखने की कोशिश नहीं की कि बाकी खितों के लोगों के एहसास क्या हैं, जज्बात क्या हैं, उमंग क्या हैं, वो रियासत के बारे में किस तरह सोचते हैं, उन तमाम नजरियात को, उन तमाम एहसास और जज्बात को जो है वो उन्होंने नजरअंदाज करके तो एक एजेंडा हमेशा उनके सामने ज्यादा सुप्रीम रहा है, और वो रहा है कि हम किस तरह इख्तदार के कुर्सी के करीब रह सकते हैं। आज यकीनन ये हम सब लोगों पे एक भारी दिन है, इस लिहाज से कि 5 अगस्त को जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, ये न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बुरा हुआ है बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये हिंदुस्तान के इमेज, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के इदारों की जो क्रेडिबिलिटी थी, उस सबको इस फैसले ने मुतासर किया है, और इसका सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान किया है तो हिंदुस्तान की जमहूरी कुवतों को और उसके सेकुलर चेहरे को, और ये दुनिया पे मुतरश हुआ है कि हिंदुस्तान एक हिंदुत्वता के एक हिंदू फासिस्ट एजेंडे पे निकल खड़ा हुआ है, बजाय इसके कि जियो और जीने दो की पॉलिसी होती, बजाय इसके कि दूसरों की शख्सियत का एहतराम होता, बजाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अख्तियारात में मजीद लोगों के हकूक और उनके अख्तियारात में इजाफा किया जाता, उनके दिए हुए हकूक को भी सलब करना, ये 21वीं सदी की दुनिया भर के वो तमाम लोग जो हकूक की जदोजहद के साथ मुंसलिक है उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने, और उस पे वो जितने बुलंद बांग दावे करें, वो जितने भी जो है वो तकारीर करें और भाषण दें, मैं ये समझता हूं कि ये उन्होंने हिंदुस्तान के जमहूरी चेहरे को मसह किया है। इस पे जहां तक सरहद के इस तरफ की बात है, पाकिस्तान के हुक्मरान तबके तो बरसा बरसे वो अपने इलाके के लोगों के, वो अपनी तारीखी कौमों के हकूक के साथ खिलवाड़ किए हुए हैं, तो उन्होंने कश्मीरियों के जज्बात और एहसास का क्या एहतराम करना है, ये एक मौकरी है। और अमूमी तौर पर यह भी तसव्वुर किया जाता है कि इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और जो है अमेरिका, इनकी कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जितने भी साजिशें कर रहे हैं, कौमों पे मुख्तलिफ अदवार आए हैं, अप्स एंड डाउन, नशेब फराज आए हैं, कौमें तकसीम भी हुई हैं, कौमें गुलाम भी हुई हैं, लेकिन अगर उस कौम के लोगों में ये शऊर मौजूद हो कि हाँ हम एक रियासत के मालिक हैं, हम एक तारीख के मालिक हैं, और इसमें कोई दो आराय नहीं कि रियासत जम्मू कश्मीर बरसा बरस की तारीख, एक अजीम तारीख है, इतिहाद की तारीख है, जमहूरियत की तारीख है, जी और जीने दो की तारीख है, लिहाजा उस तारीख को हिंदुस्तान का कोई कानून या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो अख्तियारात है उनको सलब करने से वो कंसेप्ट जो है, वो जज्बा जो है वो मर नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस एकदम से वो तमाम लोग जो मसला कश्मीर के हल के हवाले से कल तक शायद वो मुख्तलिफ उनके अंदर मुख्तलिफ सोचें थी, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज पर अमल करते थे, आज उनके पास वन पॉइंट एजेंडा है। तो थैंक्स मोदी जी कि आपने सारे कश्मीरियों को एक नुक्ते पे सोचने पे मजबूर किया है कि हाउ वी कैन रिस्टोर अवर सॉवरेनिटी, हम अपनी रियासत की वहदत की बहाली कैसे करेंगे। लिहाजा इस वक्त हमें छोटे छोटे इख्तलाफात को भुला कर
और माजी की गलतियों को नजरअंदाज करके तो मुस्तकबिल के हवाले से एक बेहतर एजेंडा तश्कील देना चाहिए। और मैं बिलखसूस उन लोगों को कि जो हमेशा जज्बात की रोह में बह के पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे एकदम ऐलान करते फिरते हैं कि हम जिस बॉर्डर लाइन क्रॉस करेंगे, ये इन लोगों ने पहले भी इस तरह के मुहिम जोइयां की थी, जिसकी वजह से आजाद कश्मीर का जो एक तारीखी रोल बनता था वो तारीखी रोल बनने के बजाय ये एक लॉन्चिंग पैड बन के रह गया। यहां लोगों के हुकूक के तहफ्फुज के बजाय लोगों के हुकूक सलब करके तो इनको सिर्फ आजादी की कश्मीर श्रीनगर की उस आजादी की तरफ मजबूर किया गया जिसके नतीजे में श्रीनगर को जो हुकूक थे वो भी आज सलब हुए। तो लिहाजा हमें आज संजीदगी से दूरंदेशी से मसाइल को बैठ के डिबेट करना चाहिए, अपने माजी का भी अपने हाल का भी तजिया करके एहतसाब करके तो एक ऐसा लाअमल अख्तियार करना चाहिए कि जिससे हमारी जदोजहद आगे की समत बढ़े, जिससे हमारे लोगों में हमारे अवाम में जो है वो डिमोरलाइजेशन आने के बजाय उनको इससे उनके जोश उनके जज्बे उनकी मोहब्बत और उनके अपने वतन के साथ जो है जो 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 जुड़त है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त खास करके डायस्पोरा कश्मीरी पे के कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वो लोग जो इसमें कीड़े निकालते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त है बजाय इसके कि हम कोई पॉइंट स्कोरिंग करें, हमें यूनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें कश्मीर के और रियासत की इस वहदत की बहाली के लिए एक मुश्तरक लायमल अख्तियार करने के लिए जो है वो एक यूनिट एक तश्कील देना चाहिए। और उसके लिए मैं मुख्तलिफ इलाकों के और मुख्तलिफ ममालिक यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे भी निकल रहा हूँ ताकि तमाम सरकर्दा रहनुमाओं से मुख्तलिफ पार्टियों से के रहनुमाओं से गुफ्तगू करके तो एक मुश्तरक ऐसा लायमल जो हमारे फतह की तरफ ले जाए, जो हमें इत्तेहाद की तरफ ले जाए, जो हमें अपनी तारीख की बका और अपने वतन की आजादी और उसके तहफ्फुज के लिए जो है वो राय बेहतर राय फराहम करता हूँ। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में वैली जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के अंदर जो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है उन्हें जिस तरह घरों में महसूर किया गया है, ताकत के जोर पर आज इंटरनेट नहीं है, वहां कोई सहूलत नहीं है, बल्कि एक घर को दूसरे घर का कोई पता नहीं है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हुए उनके साथ इजारे यकजहती करता हूं और उन्हें यह यकीन दिलाता हूं कि डायस्पोरा कश्मीरी उनके बुनियादी सियासी समाजी और माशी हकूक के लिए किसी किस्म को मैं भी कोई कोताही जो है वो नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ हमारी यकजहती बबांगे दुल होगी और उसके लिए जो कुछ भी हम कर सके वो हम करेंगे। और मैं उनसे भी ये उम्मीद रखता हूँ, उनकी क्यादत से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो एक प्रोग्मेटिक एजेंडे को आगे बढ़ाएं जिससे कि रियासत के लोगों के हकूक का तहफ्फुज़ हो और उनकी तारीखी रियासत की बहाली का अमल जो है वो शुरू हो। शुक्रिया।